पहले तो आपके पास एक थ्रेड होना चाहिए, कॉटन बर्ड्स होने चाहिए, आपके पास सीजर होने चाहिए और टिश्यू और टैल्कम पाउडर एंड आपके पास होना चाहिए ये सूदिंग लोशन। ये सारी चीज़ें एक थ्रेडिंग करने के लिए ना आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपने सबसे पहले जो आपके पास टैल्कम पाउडर है उसको आप निकालेंगे और आप डायरेक्ट भी अप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास जो आपका कॉटन बर्ड्स है उसके साथ ही आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। इसके ड्राइनेस के लिए आपने इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेना है। ओके, समझ आ गई। उसके बाद आपने थ्रेड लेना है, आप अपना यहाँ से बाजू जो है थोड़ा सा इसको टाइट कर लें। हमेशा जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। लाइक अगर इस यहाँ ये वाला हमारा राइट वाला जो आर्म है इसके जो बालों की डायरेक्शन है वो है राइट साइड पे, तो हम इसके ऑपोजिट करेंगे। इसका सबसे पहले मैं आपको लूप बनाना सिखाऊंगी, फिर आप यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे थोड़ी सी ग्रिप के लिए, क्योंकि आपका आप बिगनर्स हो इसलिए। फिर हम यहाँ पे इसको करना शुरू कर, ये देखो बहुत नरमी से आप रखेंगे और इसका थ्रेड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब आपका थ्रेड कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे आपको लगे कि ड्राई हो गया या थोड़ा इसमें सॉरी इसमें ऑयल सा या स्वेटिंग होना शुरू हो गया, तो आप दोबारा से जो है वो कॉटन बर्ड से लगा के अगेन जो है वो, और अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है तो आपने इस ट्रायंगल को ऐसे खो यानी फिर आपने बाद में इसके ऊपर दोबारा से थ्रेड कर दें। आपने थ्रेड इस तरीके से करना है कि उसमें कोई पिंच ना आपका बने और ना ही कोई रैश हो और ना ही कट लगे। आपने देखा मैंने जितनी जगह पे भी किया कहीं भी कोई भी कट नहीं लगा। आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। हाँ जी, अब ये इतना ही हमने करना था। इसके ऊपर अब मैं आपको बताती हूँ जो एंड पे करना है वो हम लगाएंगे सूदिंग लोशन। ये हमारे पास डर्मा हर्बल का सूदिंग लोशन है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस टाइम डर्मा। सबसे पहले तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि जो इंग्रेडिएंट्स बैठे हुए हैं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और जो इसके इंग्रेडिएंट्स बैठे हुए हैं वो जो है वो मिक्स हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्यू ड्रॉप्स चाहिए, एक से दो कतरे मुझे इसके लिए, एक से दो कतरे। हम इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसके अलावा हम इसको कॉटन बर्ड्स के साथ जो है इसको कॉटन के साथ हमारे पास टू मेथड हैं इसको एप्लीकेशन करने के, एक हम कार्टन के साथ कर सकते हैं, दूसरा फॉर एग्जांपल ये लिया तो हमने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पेनिट्रेट स्किन के अंदर करके और बहुत मतलब स्मूथली आपने और बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ आपने इसको करना है। तो ये था आज आपका जो है थ्रेडिंग का प्रैक्टिकल। तो आप सबको समझ आ गई है? थैंक यू सो मच मैम। वो ही पकड़ लेना लोशन। ये मैंने आपको थ्रेडिंग जो है वो आम के ऊपर करके दिखाई है, इससे पहले जो मैंने आपको बलून के ऊपर थ्रेडिंग करना सिखाई है। तो आप लोग जो न्यू हाँ जी जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इसको देख सकते हैं, वो मेरी जो आपको बलून की टेक्निक पे मैंने सिखाया था। तो अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है वो अपना लिंक सेंड कर दूँगी, तो सो आप इसको जो है ना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।